प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी आईसीएससी बोर्ड में जो योग की प्रतियोगिता होने जा रही है जो ओलम्पियाड, उसमें जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज आपका सिलेबस है ये 2A करके है, ये क्लास 9th-10th के बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, और जो बच्चे नहीं भी प्रतिभाग कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में योग को अडॉप्ट करें, अपना स्टेमिना बढ़ाएं, अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करें और अपने भीतर स्टेबिलिटी लाएं। तो इसके साथ मैं आप सर्वप्रथम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि सूर्य नमस्कार, ये आपके सिलेबस में जो पहली क्रिया है वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में आप सभी दोनों साधक अपना फेस आमने सामने कर लीजिए, सर्वप्रथम मैट पर आगे आएंगे, दोनों हाथों को पार्श्व आप करें। जो सिलेबस में है उसमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास है सर, आप इसमें 12 पोस्चर है बच्चों के ध्यान में रखेंगे, 7 आसन है। पहला आसन आप करेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व बाहु से लाइए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, हाथ शोल्डर के बराबर, धीरे धीरे ऊपर, दोनों एल्बो को ड्राइव करते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ। इसका नाम है प्रणाम आसन या नमस्कार पोज भी से। दूसरा आसन अब आप पीछे की तरफ जाइए, हस्तोत्थान आसन, दोनों पैरों को ज्वाइन करके रखिए, हाँ हस्तोत्थान आसन ये ध्यान में रखेंगे, हाथों को जितना अधिक स्ट्रेच करिए स्ट्रेट उतना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे नीचे आइए, श्वास को छोड़ दें, ये बैक के आदि में भी अच्छा रहेगा, ये उदर संबंधित रोगों में अच्छा है। इसका नाम है ये तीसरी पोस्चर है। पादहस्त आसन बहुत अच्छा अभ्यास है, सर को घुटनों के बीच में डालिए, दोनों हाथों के अकेली जमीन पे हो, पैर सीधा हो, नी स्ट्रेट रखना ये ध्यान में रखना। चौथा अभ्यास दाया पैर आगे, अब बाएं को पीछे ले जाइए, आसन चक्र, दाया पैर आपका आगे होगा, बाया पीछे की तरफ होगा, स्ट्रेच करिए ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि। अब यहाँ से पाँचवा आसन जो है वो पर्वत आसन, फिर पीछे की तरफ आइए, एड़ी को जमीन से लगाएंगे, नाभि को देखेंगे, सिर को आप जमीन से लगाने की कोशिश करिए, मन शांत हो जाए, पर्वत के आकार में अपने शरीर को आप बना देंगे, ठीक। यहाँ से जो छठवां अभ्यास है अष्टांग नमस्कार, चिन को लगाइए, हाँ चेस्ट को लगाएंगे, दोनों हाथों की हथेली जमीन पे, घुटने भी जमीन पे, पंजे भी जमीन पे होंगे, आपका थाई का जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ आएगा, इस प्रकार ये विशेष ध्यान में रखेंगे आप। अब धीरे धीरे यहीं से भुजंगासन में आइए, दोनों पैर जुड़े हुए तल पे फ्लैट करिए, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, मन शांत रखिए और सहज। अब पुनः फिर से यहाँ से धीरे धीरे आप वापस जाइए, पर्वत आसन में आएंगे, अब भुजंग आसन बैक की कादी में बहुत अच्छा है, पर्वत आसन में इस प्रकार से थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब पुनः यहाँ से बाएं पैर को आप आगे की तरफ, लेफ्ट लेग आपका आगे आएगा, मन शांत हो सहज, यह आसन संचलन हो जाएगा। नौवीं क्रिया दसवां अभ्यास पादहस्त आसन, पुनः फिर से वापस आइए, दाहिने पैर को आप आगे की तरफ लाएंगे, पूरी हथेली जमीन पे, सर घुटनों के बीच, फिर यहाँ से धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ आइए, हस्तोत्थान हस्तोत्थान आसन में पीछे की तरफ जाइए, मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, गुड, धीरे धीरे आगे आइए, प्रणाम आसन नमस्कार, ये धीरे धीरे वापस आ जाए, चेंज कर लेंगे प्लीज एंड रिलैक्स। ठीक, अब आप सभी स्टैंडिंग पोजिशन में जो करने वाले अभ्यास हैं उनको करिए। इसमें 4 आसन आपको बताए गए हैं बच्चों, जो 9th-10th के बच्चे हैं आपके सिलेबस में, ये 4 आसन है। सबसे पहला आसन जो है उसका नाम है वृक्ष आसन, ठीक, दोनों पैरों को आप ज्वाइंट करके रखिए, अब दाहिने पैर को आप ऊपर की तरफ लाएंगे, राइट लेग को ऊपर की तरफ लाएंगे, श्वास को भरते हुए, इसमें जो नी की पोस्चर है बच्चों वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपके पैर के बराबर में, ठीक पंजों के बराबर में, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पार्श्व भागों से ऊपर की तरफ आएंगे, हाथ कान से लगे हुए सामने की तरफ दृष्टि हो, किसी भी स्थिर बिंदु पर आप देखने का प्रयास करिए, अपना ध्यान लगाइए, ये कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाने में बहुत लाभकारी है, मेमोरी आपकी अच्छी होगी, आई क्यू लेवल आपका अच्छा होगा और साथ ही साथ आप में स्टेबिलिटी आएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसे एकाग्रचित्त होकर कर सकेंगे, मानसिक रोगों के लिए धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज एंड रिलैक्स। अब चेंज करिए और आप इसी अभ्यास को दूसरे पाँव से भी करेंगे, जिन्होंने राइट लेग से किया वो अब लेफ्ट लेग से कर दीजिए, इसी अभ्यास को मन को शांत और सहज करते हुए, इसका नाम वृक्ष आसन है, ध्यान में रखिएगा, एक पाद वृक्ष आसन भी बोल सकते हैं, एक पाद प्रणाम आसन भी इसको बोल सकते हैं, ये भी विशेष का ध्यान में आप रखेंगे, सहजता बोल। अब यहीं से जो धीरे धीरे नीचे आइए, मन को शांत और सहज करते हुए पुनः नीचे आएंगे, अब यहाँ से जो दूसरा अभ्यास है उसका नाम है हस्तोत्थान आसन, ठीक हस्तोत्थान आसन। अब हस्तोत्थान आसन में क्या करना है, सबसे पहले आप फेस इधर की तरफ कर लीजिए, दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे, देन श्वास को भरते हुए बैक पे आएंगे, पीछे की तरफ हाथ कान से लगे हुए स्ट्रेट, मन शांत हो सहज, दोनों हाथों में गैप करिए थोड़ा सा शोल्डर के बराबर, पीछे की तरफ दृष्टि, ये बैक किक में भी बहुत अच्छा है, अब मन को शांत और सहज करते हैं पुनः। अब जो आपकी तीसरी क्रिया है ये हस्तोत्थान आसन हो गया, धीरे धीरे आप पीछे सामान्य स्थिति में, तो तीसरी क्रिया उसका नाम है पादहस्त आसन,
बाद हस्तासन में क्या करना है, फिर से श्वास को भरते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे, ऐसे लंबी गहरी सांस को भरी, धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, पूरी हथेली जमीन पे होगी आपकी। अब पत्थों को आप कुंडों के बीच में डालिए, पैर के बीच में, मन को शांत और सहज करते हुए थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करके रखें। सजगता का भाव, पूरी हथेली जमीन पे हो, सर घुटनों के बीच में, नी को बेंड नहीं करना आप यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा होता है जनरली, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत लाभदायक है। चलिए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे यहाँ से रिलैक्स करने। अब जो अंतिम क्रिया है आपके स्टैंडिंग पोजिशन में बच्चों, वो है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में आप गैप मेंटेन करेंगे, सबसे पहले बोथ लेग्स में गैप मेंटेन करेंगे। यस, अब यहाँ से क्या करना है आपको, एक पंजा आपका ओपन होगा, दाया या बाया कोई सा नहीं, दूसरे हाथ को आप जेब के पास रखिए, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे श्वास को छोड़ते हुए, दूसरा हाथ आपका ऊपर की तरफ होगा, जिस पंजे को आपने ओपन किया है उसी दिशा में आप उसी हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे, दूसरा हाथ आपका ऊपर की तरफ, मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास, ये भी साइड के फैट होते हैं इनको लूज करने में भी ये बहुत इफेक्टिव है। चलिए आप चेंज करिए, दाएं से किया यदि बाएं से करेंगे इसी अभ्यास को, पुनः फिर से आइए विपरीत दिशा में, सजगता का भाव रखते हुए थोड़ी देर तक जैसे आप होल्ड कर लेंगे, मन आपका शांत हो सहज हो, सभी थोड़ी देर तक होल्ड करके रखिए। चलिए रिलैक्स कर लेंगे धीरे धीरे। चलिए अब सिटिंग पोस्चर में आपको जो आसन करने हैं, चार आसन ही आपके स्टैंडिंग पोस्चर में थे, सिटिंग में दोनों हाथ इसी प्रकार से, हाँ फिर धीरे धीरे आप नीचे आ जाइए। अब सबसे पहले जो आप आसन करेंगे उसका नाम है सिंहासन, सिंहासन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सिंहासन या सिंहासन भी इसको बोलते हैं। दोनों नी में आप गैप करिए, हाथों की हथेली आपके अंदर की तरफ होगी, हाँ दोनों हाथ दोनों पैरों में गैप करेंगे, सबसे पहले हाथों की हथेली आपके अंदर की तरफ होगी, जीभ को बाहर निकालिए, मुंह को खोलेंगे, अब एक साथ एक स्वर में ऐसे जोर से जीभ को बाहर निकाल के फिर ऐसे दहाड़ते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये कफ संबंधित रोगों में बहुत अच्छा माना जाता है, ये सिंहासन, इसको सिंहासन भी बोलते हैं। चलिए रिलैक्स कर लेंगे। अब यहाँ से जो दूसरी क्रिया करेंगे उसका नाम है उत्तान मंडूक आसन, ठीक। उत्तान मंडूक आसन में बच्चों नी में ऐसे गैप को आप रखना, देन क्या करना है दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ लाइए, अब दाएं हाथ में हथेली बाएं रिब से टच करिए, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने रिब से ऐसे टच करेंगे। देखो आप दो तीन चीजें इसमें विशेष है, सबसे पहले तो तलवा आपका फ्लैट होगा जैसे वज्रासन में बैठते हैं ऐसे, फिर क्या करना है नी में गैप जरूर रखना है आपको, फिर उसके बाद विशेष आधार में रखना है आपको, दाएं हाथ की हथेली बाएं रिब से टच करिए, बाएं हाथ की हथेली को दाएं रिब से आप टच करेंगे। ये उत्तान मंडूक आसन है, ये पोर्शन शोल्डर आदि की समस्या में खासकर बहुत अच्छा अभ्यास है, सर्वाइकल रिलीफ होता है। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। चलिए चेंज करेंगे अब आप सभी। अब जो अगली क्रिया यहीं से करेंगे उसका नाम है कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन में सर्वप्रथम आप पद्मासन में बैठ जाएंगे। अब पद्मासन में बैठ के आर्म्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और स्टेबिलिटी भी आपकी और ज़्यादा बढ़ती है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर भी आपकी बढ़ती है। दोनों हाथों को आप पहले पद्मासन लगाएंगे, पद्मासन के बाद फिर क्या करना है आपको, दाएं पैर के पंजे और ये पैर के बीच में से आप किस प्रकार से दोनों हाथों को आप अंदर ले जाइए, फिर बाएं के भी बीच में से ले जाना है। अब क्या करना है, ब्रीथिंग करते हुए ऊपर उठाइए, पूरी शरीर ऊपर उठाएंगे, देन होल्ड करेंगे इस प्रकार से, शांत और सहज होकर सामने की तरफ दृष्टि हो, ऐसे कुक्कुट आसन में थोड़ी देर तक होल्ड करिए, आर्म्स की स्ट्रेंथ बहुत डेवलप होगी आपके। चलिए देन धीरे धीरे वापस आइए रिलैक्स कर। अब यहीं से आप सभी जो अगला अभ्यास करेंगे उसका नाम है अखंड धनुरासन। अब इसमें क्या करना है, ये खड़े होकर पोस्चर है तो इसको अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद पहले आप कुष्ठासन कर लेंगे। कुष्ठासन में क्या करना है आपको, इस प्रकार से बैठना है, पहले वज्रासन में, देन आप धीरे धीरे थाई को ऊपर की तरफ लाइए, नी पे होल्ड करिए, दोनों पैरों में आप थोड़ा सा गैप करेंगे, ठीक। अब दाहिने हाथ की हथेली दाएं हाथ को आप पीछे की तरफ लेके आइए, दाएं हाथ से आप बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे इस प्रकार से, दाएं हाथ से आपको दाएं पैर की एड़ी को पकड़ना है, बाएं हाथ से आपको बाएं पैर की एड़ी को पकड़ना है, और इस प्रकार से आप बैक से स्ट्रेच पीछे की तरफ जाएंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखिए, बहुत अच्छा अभ्यास है।
कैसा आएगी आपके भीतर, मथा आपका जमीन से लगा हुआ, इस प्रकार से थोड़ी देर तक होल्ड करिए। ये खरगोश की जो पोस्चर होती है उसी तरीके से इसको करते हैं, ध्यान में रखना। ये शशांक आसन इसका नाम है। और आप अगला अभ्यास करेंगे, इनसे एक करेंगे बक आसन, खड़े हो जाएंगे आप सबसे पहले अपने स्थान पर बक आसन, और उसके बाद आप अर्ध धनुरासन, अकर्ण धनुरासन जो अभी बताया गया था, अकर्ण धनुरासन, और उसके बाद फिर आप करेंगे बक आसन। पहले करेंगे अकर्ण धनुरासन, ये जैसे आप धनुष में जब आप देखते हैं बाढ़ को चढ़ाते हैं तो किस प्रकार से इसमें ऐसे ही करेंगे, सामने की तरफ दृष्टि हो ऐसे, एक पंजा आपका सामने होगा पैर का, ध्यान में रखना, दूसरा एक पंजे को आप ओपन करिए, दूसरा आपका सामने की तरफ होगा, और इस प्रकार से हाथों को एक ऊपर रखेंगे दूसरा नीचे की तरफ होगा, इसका नाम है अखंड धनुराग। चलिए धीरे धीरे नीचे आ जाइए, रिलैक्स कर लेंगे। अब एक पोस्चर और है आपकी, उसका नाम है बक आसन। बक आसन में कैसे करना है आप देखिए, दोनों पैरों में गैप करेंगे धीरे धीरे, अब एक पैर को आप नीचे की तरफ ले जाइए, दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे, पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, सबसे पहले पैर के फिंगर्स को पकड़ लेंगे, दूसरे पैर को आप ऊपर की तरफ लाएंगे, स्ट्रेच करते हैं, इसमें भी पूरा कंसंट्रेट करिए आप नीचे, ठीक, सामने किसी भी बिंदु पर नीचे की तरफ कंसंट्रेट करेंगे, और लेग्स को ऐसे मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर, ये सहजता का भाव, जितना अधिक से अधिक स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ये बक आसन आपका हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे। अब यहाँ से जो अगला अभ्यास आप सभी करेंगे वो पेट के बल लेट कर करने वाले जो अभ्यास है, इसमें तीन आसन है आपको जो करने हैं। सबसे पहला आसन जो है पूर्ण सलभ आसन, ठीक, पूर्ण सलभ आसन ये आपको करना है बच्चों, पूर्ण सलभ आसन। हम अच्छा पूर्ण सलभ आसन अब आप करेंगे सर्वप्रथम। पूर्ण सलभ आसन में क्या करना है, जैसे मयूर आसन करते हैं उसी प्रकार से इसको करेंगे। पहले दोनों हाथों को आप एल्बो को बेंड करिए थोड़ा, दोनों हाथों की हथेली सामने की तरफ होगी, इस प्रकार से आप दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाइए, मन को शांत और तेज कर दीजिए। अब दोनों पैर पैरों के पंजों को आप ऐसे फिर से टच कर दीजिए, अब दोनों हाथों की हथेली को आप ओपन कर लीजिए सामने, ऐसे होल्ड करके रखिए थोड़ी देर, ये सजगता का भाव, ऐसे होल्ड करके रखिए थोड़ी देर, इस प्रकार से रुकेंगे। चलिए रिलैक्स कर लेंगे अब यहीं से। अब पूर्ण सलभ आसन के बाद दूसरा आसन है उसका नाम है पूर्ण धनुरासन, इसको भी करेंगे पेट के बल लेट के जो करने वाले अभ्यास है उसमें दूसरा आसन जो है पूर्ण धनुरासन, इसको किस प्रकार से करेंगे आप देखिए, वो पेट के बल पहले लेटेंगे, फिर दोनों पैर के अंगूठों को आप अंदर की तरफ से पकड़ लेंगे, अब ब्रीथिंग करते हैं श्वास को भरते हुए स्ट्रेच करिए, शोल्डर रीजन को पूरा खींचिए और ऊपर की तरफ हाथों को ले आइए, हाँ पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे, ये भी बहुत अच्छा आसन है बैक की काली की समस्या में, ये भी लाभकारी है। चलिए रिलैक्स करेंगे अब धीरे धीरे। अब यहाँ से जो अगला अभ्यास है उसका नाम है मयूर आसन। मयूर आसन भी बहुत इफेक्टिव आसन है। मयूर आसन एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ये ध्यान में रखेंगे। मयूर आसन में दोनों हाथों की हथेलियों को अंदर की तरफ रखेंगे, देन एल्बो को आप नाभि के पास में लगाइए, नाभि के पास में दाएं हाथ की से बाएं, क्योंकि नाभि आपकी सेंटर पॉइंट है, बीच का हिस्सा। अब दोनों पैरों को आप श्वास को मध्य में उठाएंगे, दोनों पैर पीछे जुड़े हुए हों, मन शांत हो, तैर सामने की तरफ दृष्टि, पैरों को जोड़ने का प्रयास करिए पीछे, ये और अच्छा रहेगा। हाँ इस तरीके से बच्चे की जगह सामने की तरफ देखते हैं, पूरी बॉडी को उठा लेते हैं हाथों के हथेलियों में और एल्बो में होल्ड करते हैं थोड़ा देखना, ये अच्छा रहेगा। चलिए रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ से जो पीठ के बल लेट के करने वाले आसन उनको आप कर लेंगे, पीठ के बल जो लेट के करने वाले आसन है उसमें सबसे पहला जो आसन है उसका नाम है सर्वांग आसन। पीठ के बल आप लेट जाएंगे, अब पीठ के बल जो लेट के करने वाला आसन है उसमें जो सर्वप्रथम पहला आसन है उसका नाम है सर्वांग आसन। ये सर्वांगीण व्यायाम सर्वांग समस्त लोगों के लिए ये लाभकारी माना जाता है सर्वांग आसन। इसकी आई साइड के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी अच्छी होती है इसको करने से। ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए, उठाएंगे पूरी बॉडी को, पंजों को खींचेंगे, इस प्रकार से देखिए आप, आपकी स्पाइन भी ऊपर होगी, थाई भी ऊपर होगी, और दोनों हाथों से आप इस प्रकार से हथेलियों से सपोर्ट लेंगे, एल्बो को जमीन पे रखेंगे, आपकी जो गर्दन का हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस प्रकार से आप इसमें होल्ड करके रखिए, ये समस्त अंगों को अंग प्रत्यंगों को सक्रिय करने में लाभकारी है सर्वांग आसन। चलिए अब धीरे धीरे नीचे आ जाइए, इसी में
करेंगे उसका नाम है सर्वांग आसन के बाद आप मत्स्य आसन करेंगे। सर्वप्रथम ऐसे लेट जाएंगे अपने साथ में, अब लेटे लेटे ही आप पद्मासन लगाएंगे। सबसे पहले आप पद्मासन लगाएंगे, फिर क्या करना है दाहिने आप मत्स्य आसन में सबसे पहले आपको क्या करना है स्पाइन को उठाना है, गर्दन आपकी नीचे की तरफ ऐसे जाएगी। हाँ, हेड पे आप पूरी बॉडी को होल्ड करेंगे। इस प्रकार से होल्ड करेंगे शरीर के ऊपरी अंग को। उसके बाद क्या करना है पैर की अंगूठों को आपको इस प्रकार से पकड़ लेना है। देन एल्बो आपकी जमीन पे होगी, कोनी जो है वो जमीन पे होगी। इस प्रकार से थोड़ी देर तक होल्ड रखिए, मतलब से आसन में ऐसे सजगता का भाव रखते हैं सभी, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे। ये भी बहुत अच्छा आसन है बैक किक के लिए भी। इसमें विशेष क्या ध्यान में रखना, ये जो कमर स्पाइन है हमारी इसको आप ऊपर की तरफ जरूर रखिए, ये ध्यान में रखेंगे। और देन क्या करना है ऐसे दाएं हाथ से भी पैर के अंगूठे को पकड़ना है, बाएं हाथ से भी, और एल्बो को कोनिया जरूर जमीन से लगी हुई, फिर इस प्रकार से जमीन से लगा हुआ होगा, बाकी बॉडी को आप ऊपर ही रखेंगे। चलिए धीरे धीरे आप पीछे आइए, रिलैक्स कर लेंगे। अब यहीं से जो अगला अभ्यास है आपका जो वो है शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करेंगे अब ये ध्यान में रखें, शीर्षासन में आप सभी को शीर्षासन जो करना है, शीर्षासन में आप किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइंट करके ही रखिए। अब आप जो अगला अभ्यास करें बहुत बैलेंस करके रखिए। आप शीर्षासन करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे दोनों हाथों को आप इंटरलॉक करिए, देन सिर को आप जमीन पे रखेंगे। ये वॉल के सहारे आप करने की कोशिश करना, बच्चा अच्छा रहेगा। दीवार के सहारे हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर को जमीन पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को आप ऊपर की तरफ लाइए, या पहले आप एक पैर को भी ला सकते हैं, फिर दूसरे पैर को लाइए, और बॉल के सहारे जब आप करेंगे तो पीछे गिरने का डर नहीं होगा। फिर दोनों पैर के पंजों को मैक्सिमम स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ, और इस प्रकार से बॉडी को होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी अच्छी होगी, बालों के लिए भी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आई साइड आपकी अच्छी होगी, शीर्षासन इसका इफेक्ट होगा। धीरे धीरे पीछे आते हैं, पहले बाएं पैर को, दाएं पैर को, या दोनों पैरों को आप एक साथ मिला सकते हैं। ये शीर्षासन आपके सिलेबस में है। अब जो दो प्राणायाम है कि बच्चे बैठ कर इसको कर लेंगे, सबसे पहला जो प्राणायाम है उसको आप करेंगे, फिर उसके बाद जो बड़े बच्चों का सिलेबस है उसमें दो प्राणायाम है, और उसके बाद क्रियाएँ भी है, अग्निसार क्रिया भी है आप कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आप करेंगे इसमें वो है नारी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये संपूर्ण शरीर में जो 72,72,10,201 प्रस्कारियाँ हैं इन सभी की शुद्धि करने के लिए ये लाभकारी माना जाता है। कमर गर्दन को आप ऐसे सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा पहले लगा लीजिए, वायु मुद्रा जो भी आपको ठीक लगे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन का आप चयन कर सकते हैं जो आपसे आसानी से लगता है। ठीक, अब आपको क्या करना है दाहिनी नासिका को आप दूसरे हाथ में ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा के रखेंगे, फिर आपको दाहिनी नासिका को प्रेस करना है। अब बाएं दाएं हाथ से आप उठाइए, दाई नासिका को दबाएंगे, बाएं से आप सांस को भरेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, जो बंद हो मन शांत हो सहज हो। अब आप बाएं से सांस को भरें, दाई नासिका को प्रेस करेंगे, पहले बाएं से सांस को भरिए, अब मध्यमा और अनामिका उंगली को दबाएंगे इस प्रकार से, फिर दाएं से आप श्वास को बाहर करेंगे। अब जहाँ से आप श्वास को बाहर करेंगे वहीं से फिर से आप श्वास को भर लेंगे। अब ये आपकी मेमोरी आईक्यू लेवल को भी बढ़ाएगा। जब आप राइट नॉस्ट्रल से सांस को लेते हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन पे जाता है, लेफ्ट से जब आप लेते हैं तो राइट ब्रेन पे जाता है। इसमें विशेष कुछ बातें क्या ध्यान में रखनी है, जहाँ से आप सांस को लेंगे उसकी विपरीत दिशा से आप सांस को छोड़ेंगे, और जहाँ से सांस को छोड़ेंगे अब वहीं से सांस को भर लेंगे। इनहेल एक्सहेल करने का ये तरीका आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसे सांस पर सांस अभ्यास को करने का प्रयास करिए। ये कंसंट्रेशन पावर के लिए भी बहुत अच्छा, मेमोरी और आईक्यू भी आपकी अच्छी होगी, और साथ ही साथ बच्चों को हेडक माइग्रेन पेन होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। संपूर्ण शरीर की समस्त कष्टाड़ियाँ दूर होंगी, स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, एंजाइटी आदि जैसी बीमारियों में भी ये लाभकारी अभ्यास है, इसको रोज करेंगे। चलिए अब दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ लाइए, रब करिए, फिर आँखों पे, गालों पे, कानों पे कसरत लगाएंगे। अब यहीं से जो आप अगला प्राणायाम करेंगे उसका नाम है शीतली प्राणायाम। जीभ को आप बाहर करिए सबसे पहले, फिर रोल करेंगे जीभ को इस प्रकार से, और उसके बाद श्वास को भरेंगे। अब ये गर्मियों के दिनों में बहुत लाभकारी, मुँह में ठंडक पहुँचाएगा, सांस को भर लीजिए जीभ को रोल करके इस प्रकार से, और फिर यहीं से सजगता का भाव रखते हुए बुद्धि को कंट्रोल लगाइए, थोड़ी देर तक होल्ड करिए, जालंधर बंदी ये हो जाता है, सांसों को थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे। जब श्वास रुकते रहते तो आप अपने दाहिने पैर को
ये शीतली प्राणायाम आपका हो जाएगा। एक बार फिर से इस अभ्यास को करेंगे। ये माउथ अल्सर आदि के लिए भी लाभकारी है, गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। ठीक, कहीं आप ऐसी जगह जहाँ आपको पानी ना मिले वहाँ पर भी आप इस अभ्यास को जीभ को ऐसे घोल करके ऑक्सीजन को इनटेक करिए, इनहेल करेंगे, फिर टूटी को कंठपुट से लगाएंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करिए, फिर दाहिनी नासिका को दबाइए और एक्सहेल कर देंगे श्वास को धीरे धीरे बाएं से बाहर। तो इस अभ्यास को भी आप करेंगे। एक जो क्रिया है आपको वो करनी है, क्रियाओं में दो क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं इसमें। एक अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया कैसे करना है, लंबी गहरी सांस को आप भरेंगे पहले, ठीक, सबसे पहले अब श्वास को पूरा बाहर करिए, एक्सहेल करेंगे, फिर पेट को आप अंदर की तरफ खींचिए, पूरा पूरी सांस को भरिए सबसे पहले। हाँ, अब सांस को आप बाहर करिए बच्चों, अगर नाक से ज़्यादा नहीं एक्सहेल कर पाना आप तो मुंह से बाहर कर देना, ठीक, पेट को बिल्कुल खाली कर दीजिए इस प्रकार। अब पेट को आप अंदर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, इस तरीके से थोड़ी देर तक होल्ड करिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर नाभि के निचले हिस्से से उठाएंगे इसको, धीरे धीरे ऐसे संचालित कर दीजिए, सजगता का भाव धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये अग्निसार क्रिया हो जाती है, श्वास को इस प्रकार से संचालित करेंगे, छुट्टी कंठपुट से लगाएंगे, जालंधर बंद, पेट को अंदर ले गए उद्यान बंद हो जाता है और मलद्वार को भी ऊपर खींचते हैं। तो ये तीनों बंद के साथ इस अभ्यास को आप लगाने का प्रयास करिएगा, ये अग्निसार क्रिया। अब एक उद्यान क्रिया है, उद्यान बंद है, तो उद्यान बंद में क्या करना है, अग्निसार क्रिया उद्यान बंद में आपको क्या करना है, सांस को भरेंगे एक बार, ठीक, लंबी गहरी, फिर पूरी सांस को आप बाहर करेंगे, फिर से पेट को आप अंदर की तरफ लाएंगे, देन उड़ान बंद में थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे, सांस को भर लेंगे, पूरी सांस को बाहर करिए, एक्सहेल कर लेंगे और फिर यहीं से पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे, उड़ान बंद एक बार फिर से करेंगे, सांस को भरेंगे इसमें, पूरी सांस को आप बाहर कर दीजिए सबसे पहले, हाँ मुँह से या नाक से जैसे कि आप पेट को बिल्कुल खाली करिए, खाली पेट से करना है, फिर पेट को आप अंदर ले जाइए इसी प्रकार और ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे। पेट को जब पीठ से लगाते हैं बस इसी को उड़ान बंद करते हैं, ध्यान में रखें, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, ये अल्सर आदि जैसे लोगों में भी लाभ करते हैं। चलिए रिलैक्स कर लीजिए अब आप सभी। अब ये आप सभी जो बड़े बच्चे हैं 9th और 10th से, तो आप इसको जरूर करिए, ये आप सभी के लिए लाभकारी रहेगा और प्रत्येक दिन इसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। आप सभी अधिक से अधिक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को।